पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंद्राचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोग जिन्होंने भुला दिया? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उनके भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत को के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया था, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि वहाँ महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है, यह मैं आप लोगों से सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पार्वती राजकुमारी शिवा माता, मेनका भाई मेनाक, पिता हिमालय और मंद्राचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्य और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महिमा तपस्या में संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनको समझ नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे, वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न पूछ सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण कर विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर हो गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से जब सब कुछ बताना था, वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी चरण में आए हैं, आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा की पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे ही वन में वहीं उनके आश्रय पर आए, उस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उदत रहने वाले प्रलयकारी रुद्र से अत्यंत भयभीत हो उठे।
देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालिंदी के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको संतावना दी और कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय को नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की चरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परातर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणि शिव का दर्शन करने के लिए मार्ग में पार्वती के आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान विश्वध्वज विराजमान थे। मुने, वहाँ पहुँच कर सब देवताओं ने पहले उन्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते ही रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो और विशेष शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा, भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए हैं। शंभु तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवता सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रपाद द्वारा उनका सत्वन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।